बात। आज का हमारा मौजू है कि बच्चे को मजलिस के कौन से आदाब सिखाए जाएं। बच्चे को मजलिस के आदाब से रूशनास करवाना वालदैन का फर्ज है, ताकि वो मजलिस में जाके अदब का मुजाहिरा करें, ना के नादानी का। नंबर वन, मजलिस में जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाए, ना के दूसरों की गर्दनों पे से फलांग कर आगे जाने की कोशिश की जाए। हजरत जाबिर बिन समरा रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि जब हम हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश होते तो जहाँ मजलिस खत्म हो रही होती तो वहाँ बैठ जाते। नंबर टू, जब किसी मजलिस में दो आदमी बैठे हों तो उनकी बिला इजाजत वहाँ ना बैठें। हजरत उमर बिन शुएब बावास्ता अपने वालिद अपने दादा से रिवायत करते हैं कि हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दो आदमियों के दरमियान उनकी इजाजत के बगैर ना बैठो। नंबर थ्री, मजलिस में किसी शख्स को उठाकर उसकी जगह पर नहीं बैठना चाहिए, बल्कि जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाए। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात से मना फरमाया कि एक आदमी दूसरे आदमी को उठाकर उसकी जगह पर बैठ जाए, बल्कि खुल जाया करो और अपनी महफिल में कुशादगी पैदा किया करो। ये था हमारा आज का मौजू। हम न्यू वीडियो में नेक्स्ट मौजू के साथ मिलेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी तजावीज़ से हमें कमेंट्स में आगाह करें। शुक्रिया, वस्सलाम।